मैं किसी का एजेंट हूँ क्या? ये सब जो मेरे बारे में बोलते हैं, एजेंट मैं हूँ। बैकग्राउंड पता है ना, मैं एजेंट हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मैं जहाँ रहता हूँ, जिसके साथ रहता हूँ, पूरी ईमानदारी, निष्ठा और वफादारी के साथ। ये क्या बोलते हैं कि देश में तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं ना? जरा श्रीमान जी, हम तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपका तो पता नहीं, जो बैकग्राउंड है आप जानिए। आज पहली बार इस देश के लिए गौरव की बात है कि हिंदुस्तान ने दुनिया में नंबर 5 में की अर्थव्यवस्था कायम कर ली। हम किससे आगे हो गए? हम उस इंग्लैंड से आगे हुए हैं, इस इंग्लैंड ने हमारे ऊपर शासन किया था, इनको दिखाई ही नहीं देता है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे देश में, भारतीय अर्थव्यवस्था किस नंबर पर थी? 10 में 11 पर, और आज 5 पर है। और कहते हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अरे अपना काम देखिए कि बिहार में क्या हाल है, किस प्रकार का प्रशासन है जी, किस प्रकार का कानून व्यवस्था है। आपकी गाड़ी को चूरा जा रहा है, पूरा काफिला को चूरा जा रहा है, आप पर फिजिकल अटैक हो रहा है और आप मस्त हैं। देखिए, आपको जनता ने जो वोट दिया था, जो जनादेश दिया था, उसके साथ तो विश्वासघात किया ही। अभी भी समय है, बिहार के बारे में जो लोग आपसे अपेक्षा करते हैं उसको काम करिए। और मैं किसी का एजेंट नहीं, मेरा जो फर्ज है, मेरा जो दायित्व है कि जिनके साथ रहे हैं उनके साथ पूरी ईमानदारी। तो दिल्ली काहे के लिए गए थे? काहे के लिए गए? तो बिहार के नागरिक नहीं है? अरे इन लोग के बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जिसको पार्टी ने ही विश्वासघाती करार दे दिया हो, जिन पर आरोप, उनके परिजन पर आरोप लगा संपत्ति बनाने का, और उसका कोई जवाब अब तक तार्किक नहीं दिया, और रन छोड़ के भाग के, तो उन पर क्या टिप्पणी करने की जरूरत है? उन पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें उनको तुम ताम करके बातें बोली गई, वो उनको खटकी है। अब उनको क्या खटकता, और पार्टी 43 सीट पर आ गई, सो घर में रह कर करके आग लगा रहे थे, चेहरा तो बेनकाब इनका हो गया। उनको तो यह बताना चाहिए ना कि इस्लामपुर में, नालंदा के इस्लामपुर में पार्टी हार गई और संपत्ति वहाँ इनके परिजन लिखवा रहे थे, और जो आरोप लगे उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उस सवाल पर जवाब देना चाहिए। अभी दिल्ली काहे के लिए गए थे? उन्हें दिल्ली से किस लिए? बिहार के नागरिक हैं, अगर दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो खुद क्या आचरण कर रहे थे? इसलिए इनके बयान को बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं, राजनीतिक आश्रय स्थल खोज रहे हैं। नीतीश कुमार गए हुए हैं, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात होगी उनकी दिल्ली में, लेकिन आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि पलटू संग पप्पू, बताया नीतीश कुमार को उन्होंने इस तरह का तंज कसा है। नहीं, तंज नहीं कसा है, वो भाषाई रूप से हमको लगता है कि राजनीति में अपसंस्कृति के पर्याय हो गए, चूँकि स्वाभाविक है कर्म के बदौलत तो इनको मिला नहीं। ये तो राजद के प्रखंड अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर दिए है। अरे लोकतंत्र में भाषा अच्छी रखिए, यही सिखाया गया आपको। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानवतावाद, ये अटल अडवाणी जी का भाजपा है नहीं रहा क्या? इसी ढंग की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भाषा का क्यों परेशान क्यों है? कोई किसी से मिल रहा है तो तानाशाही हुकूमत है क्या? आप रोक दीजिएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी की औकात है रोक देने की? तो इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल नीतियों पर न बोलिए, ये न बोलिए कि जो कहे थे लोकसभा चुनाव में 14 में 19 में उन वायदों का क्या हुआ, उन वायदों पर अपनी ट्वीट करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसलिए भाषाई तनाव में रह कर करके राजनीति की लकीर नहीं खींचा जा सकती। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार जी के दिल्ली जाने से भाजपा बेचैन ज़्यादा है, तो बेचैनी में भाषा अब संस्कृति का शिकार हो रहा है।